झांसी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है और मैं आपके साथ रजा सिंह। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही उपचुनाव की भी घोषणा की थी। बता दें इसके तहत केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा की गई थी, जहां कल यानी 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। वहीं बीते दिन 11 नवंबर को केरल के वायनाड में उपचुनाव के लिए प्रचार का आखिरी दिन था, जहां आखिरी दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी के लिए चुनाव प्रचार के लिए सड़क पर उतरे। इस दौरान राहुल गांधी आई लव वायनाड की टी शर्ट पहनी नजर आए और रोड शो में लोगों को फ्लाइंग किस देते दिखे। राहुल गांधी के इस एक्शन ने वायनाड की जनता का दिल जीत लिया। आप भी देखें ये पूरी रिपोर्ट विस्तार से। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पहली बार चुनावी मैदान में उतरी हैं और वायनाड लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में किस्मत आजमा रही हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सोमवार को केरल के वायनाड पहुंचे और बहन के लिए चुनाव प्रचार किया। बता दें कि वायनाड सीट पर 13 नवंबर यानी कल वोट डाले जाएंगे और 23 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। इसके साथ ही राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी को चैलेंज किया। उन्होंने कहा, प्रियंका गांधी जी सांसद पद की उम्मीदवार हैं, वो मेरी छोटी बहन भी हैं, इसलिए मुझे वायनाड के लोगों से उनकी शिकायत करने का अधिकार है। वायनाड मेरे दिल में राजनीति से परे एक बहुत बड़ी जगह रखता है। मैं यहाँ हर किसी की मदद करने के लिए हमेशा मौजूद हूँ। अगर मैं इसकी खूबसूरती दुनिया को दिखा सकता हूँ तो मैं खुशी खुशी ऐसा करूँगा। मैं अपनी बहन को भी चुनौती देना चाहूँगा कि वो वायनाड को सबसे बेहतरीन पर्यटन स्थल बनाए। जब लोग केरल के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले वायनाड को देखना चाहिए। वहीं चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी का अलग ही अंदाज देखने को मिला। राहुल गांधी चुनाव प्रचार में आई लव वायनाड की टी शर्ट पहन कर उतरे। इसके साथ ही रोड शो के दौरान वो फ्लाइंग किस देते भी नजर आए। बता दें केरल के वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है क्योंकि राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हो गई थी। बताते चलें कि इस साल हुए लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने वायनाड और रायबरेली सीट से चुनाव लड़ा था और दोनों सीट से जीत भी दर्ज की थी। इसके बाद राहुल ने रायबरेली सीट से सांसद बने रहने और वायनाड सीट खाली करने का फैसला किया था। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सीनियर भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।